ऑलराइट गाइस, राधे राधे, नमस्कार। मैं सुदीप, स्वागत करता हूं आप लोगों का टेक्नो ज्ञान के एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो यार, दो या तीन दिन से मैं एक न्यूज देख रहा था, वो था सोशल मीडिया बैन के ऊपर। तो इस न्यूज को देखने के बाद मेरे कुछ ऐसे दोस्त है ना, हरामी टाइप के, जो यार परेशान करके रखे हैं मेरे को। यार फोनों पे फोन घर पे आ रहे हैं यार, सिर्फ ये पूछने के लिए कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे ये एप्लीकेशन, व्हाट्सएप जैसे ये एप्लीकेशन बैन हो रहे हैं या फिर नहीं। तो यार मैं चलो परेशान हो गया और मैं चला गूगल पे सर्च करने या फिर रिसर्च करने, आप जो भी कह सकते हो, ताकि यार मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मिले और मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूं। तो यार क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है ये मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। वेल दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सोशल मीडिया बैन के ऊपर। क्या ये न्यूज सच है या फिर एक फेक न्यूज है या फिर एक अफवाह फैल रहा है? तो मैं आपको बता दूं, 2021 के आईटी रूल्स निकल के आ चुके हैं, शायद आपको ये पता होगा। तो उस रूल के हिसाब से ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, Z5 जैसे एप्लीकेशन के लिए एक अलग से रूल बनाया गया है आईटी मिनिस्ट्री द्वारा। उसी तरह से जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, इनके लिए भी अलग से रूल बनाया गया है आईटी मिनिस्ट्री द्वारा। तो उस रूल के हिसाब से क्या होता है कि 25 मई उस डेट तक डेडलाइन दिया गया है सोशल मीडिया कंपनीज को, ठीक है, और कुछ रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो रूल्स को उनको फॉलो करना होगा। और यार अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्सटेंशन मांग रहे हैं, तो वो भी उनको 25 मई तक बता देना चाहिए। हाँ पता है मैं थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं, मैं रिसर्च करने में लेट हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है। तो एक सवाल भाई लोग आपके मन में जरूर होगा कि यार ये रूल है क्या बेसिकली। तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। इस रूल के हिसाब से शायद सबको पता होगा, अगर फेसबुक पे कोई ऑफेंसिव पोस्ट या फिर कुछ गलत पोस्ट अगर किया है किसी ने, तो अगर आप उस पोस्ट को रिपोर्ट करते हो या फिर आपके जैसे किसी और लोगों ने उस पोस्ट को रिपोर्ट किया है, तो फेसबुक के जो एम्प्लॉयज है उन चीजों को वेरीफाई करके उस पोस्ट को टेक डाउन करने में हफ्तों टाइम लगा देते। लेकिन इस रूल के हिसाब से अगर कोई भी पोस्ट आपको गलत लगता है या फिर किसी पोस्ट से कोई वायलेंस स्प्रेड हो रहा है, तो अगर आप उस पोस्ट को रिपोर्ट कर देते हो तो तुरंत जो है उस पोस्ट को 1 या 2 घंटे में वेरीफाई करके टेक डाउन कर लिया जाएगा। लेकिन शायद आपको पता है यूट्यूब पे ये चीज नहीं होता है। यूट्यूब पे अगर कोई भी चीज, मतलब कोई बंदा अगर कोई वायलेंस स्प्रेड करने वाला या फिर कुछ गलत वीडियो अपलोड कर देता है, तो 1 या 2 घंटे में यूट्यूब अपने आप ही उस वीडियो को टेक डाउन कर लेता है और उस बंदे को एक कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर एक हेट स्पीच एंड हैरेसमेंट ईमेल आपके पास यूट्यूब से आ जाता है। क्या होता है कि इस रूल के हिसाब से हर एक जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, खैर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो फेसबुक के अंदर ही आता है, तो फेसबुक और ट्विटर जैसे कंपनीज, बड़े बड़े सोशल मीडिया कंपनीज, ये लोग क्या करेंगे, अपने एक टीम तैयार करेगी इस चीज़ों को देखने के लिए या फिर इन चीज़ों को देखने के लिए। अगर कोई पोस्ट गलत निकल के आता है तो ये क्या करेंगे, सिंपली उनको टेक डाउन कर लेंगे बिना किसी नोटिस के, जो गवर्नमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस है। मतलब एक तरीके से ये आपके हर एक काम को मॉनिटर करेंगे, मतलब आप क्या पोस्ट डाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप किसी को बुरी तो नहीं कर रहे हो, मतलब एक तरह से आप फुल्ली सिक्योर्ड हो इस रूल से गवर्नमेंट ने जो आपके लिए बनाया है। तो यार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ एक ही कंपनी है जिन्होंने अभी तक इस रूल को एक्सेप्ट कर लिया, वो है कू करके कोई कंपनी, जो हम ट्विटर जैसे यूज करते हैं उसी तरह से कू भी एक कंपनी है जिन्होंने इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। देखो यार इतने बड़े कंपनीज हैं, वो चुप तो नहीं बैठेंगे, कॉफी तो नहीं पी रहे होंगे, उनका रिप्रेजेंटेटिव हर एक जगह पे, आपको क्या लगता है वो चुप बैठेंगे थोड़ी? नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे ये जो सारी चीजें हैं इनको सॉल्व आउट करने के लिए या फिर इन चीजों को सॉल्व आउट करने के लिए। क्योंकि यार देखो, एक कंट्री में अगर एक एप्लीकेशन बंद हो जाता है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप दोनों चीजें हैं, अगर ये दोनों चीजें फेसबुक के अलॉन्ग बैन हो जाते हैं एक कंट्री में, तो यार आपको पता है कितना लॉस होगा उनके सर्वर के लिए, उनके उनकी कंपनी का कितना बड़ा लॉस होगा। यार वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे इन चीजों को सॉल्व आउट करने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ या तो एक्सटेंशन मांगेंगे गवर्नमेंट से, या नहीं तो अपने जो पॉलिसीज है उनको चेंज कर लेंगे, या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव टीम वो हायर कर लेंगे इन सारे चीजों को सॉल्व आउट या फिर सॉर्ट आउट करने के लिए। तो यार फिलहाल के लिए निश्चिंत रहो और कोविड से अभी सेफ रहो और मास्क पहनो और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पे नया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सिलेक्ट कर देना, हमें इंस्टाग्राम पे फिलहाल के लिए फॉलो कर देना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, राधे राधे। I feel paralyzed.